अस्सलाम वालेकुम डेवलपर के साथ मैं लेता। बहुत ही ज्यादा भाई कंपनीज ने मॉडल दिए जिस तरह के 2024 के स्टार्ट में। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले रियलमी कंपनी ने बहुत ही मजे मजे के मॉडल हमें दिए, तीन मॉडल जिस तरह हमने आपको वीडियो भी बना के दिखाई, जिस तरह C51, C53 और C67, इन तीनों की वीडियो बना के दिखाई और आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें और बकायदा लाइक और सब्सक्राइब बस नहीं किया। वो भी कर दो भाई, क्योंकि हम वीडियो बहुत ही अच्छी आपके लिए बना रहे हैं कि आपका रिस्पॉन्स देखने के लिए, कि आपकी आपकी जरा जो जो आपके लिए जो इंफॉर्मेशन लेके आए हैं वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो इस तरह आज हम जिस फोन की, जिस ब्रांड की बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही शानदार क्वालिटी में हमें देखने को मिलता है, वो है रेडमी शोमी। जिस तरह के भाई यार, अगर गेमिंग का मसला हो तो हर बंदे का काम होता है कि भाई यार कोई ऐसी डिवाइस हम परचेज करें लेके आए जिसमें हमें 90 FPS की गेम भी हमें मिल सके और बहुत ही एक अच्छी स्मूथनेस और एमोलेटर डिस्प्ले हमें देखने को मिले। तो जिस तरह के MI ने भाई 2024 में सोचा कि हम कोई ऐसी चीज लॉन्च करेंगे जो भाई हमारे कस्टमर जो है ना वो देख के परेशान हो जाएंगे, तो इसी तरह हुआ कि हमें इन्होंने तीन ऐसे मॉडल्स मार्केट में लॉन्च किए गए जो हम खुद ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें हमारे लिए हुए और वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ भी होने वाले हैं। वो जिस तरह के वाटर टेस्टिंग भी उनकी बहुत ही अच्छी, लोगों ने वीडियो बनाई और दिखाया वाटर टेस्टिंग के लिए, हाथ से भी बहुत अच्छे हैं। एमुलेटर डिस्प्ले हैं, कर्व डिस्प्ले पे भी हमें वो फोन देखने को मिलते हैं। जिस तरह के मैं अगर फोन्स की बात करूं तो हमें तीन मॉडल्स देखने को मिलते हैं रेडमी के। जिस तरह भाई के What? रेडमी ने नोट 13 सीरीज लॉन्च की, उस सीरीज की बात की जाए तो उसमें उन्होंने रेडमी नोट 13, रेडमी नोट 13 प्रो और रेडमी नोट 13 प्रो प्लस जो सबसे अच्छा वेरिएंट दिया। जिस तरह के वेरिएंट की बात करें तो सबसे पहले हमें आईफोन में वेरिएंट देखने को मिलते थे, जिस तरह आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो मैक्स, और इसीलिए थोड़ा सा इजाफा किया आईफोन ने, तो अभी आईफोन 15 प्लस भी हमें देखने को मिलता है मार्केट में। तो इसी तरह भाई हर कंपनी का अभी यही जेन है कि पहले तो वो दो मॉडल निकालती थी, जिस तरह एक 13 और एक 13 प्रो, अब उन्होंने एक तीसरा वेरिएंट भी मार्केट में देना शुरू कर दिया साइजिंग में और क्वालिटी में, जरा उसमें थोड़ा सा इजाफा करके तो कंपनी ने बस जरा फुद्दू बनाया लोगों को कि भाई यार बेफिक्र हो जाओ, हम आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग लाएंगे, जिस तरह आईफोन चूना लगा रहा है ना भाई लोगों को, तो इसी तरह भाई हर कंपनी ने इसी तरह चूना लगाना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह सैमसंग ने भी इसी तरह किया कि उन्होंने भी चार वेरियंट लॉन्च किए, इसके अलावा ओप्पो भी अभी यही करेगा। तो इजीली मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूँ तो रेडमी शोमी ब्रांड है वो, रेडमी का एक नोट 13 प्रो और नोट 13 प्रो प्लस है। जिस तरह अगर नोट 13 की बात करें तो ये हमें 55,000 की रेंज में बहुत ही एक अच्छा फोन देखने को मिलता है, 8 GB RAM, 256 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है और एक फास्ट चार्जर 33 वाट का फास्ट उसके साथ चार्जर होगा और 5,000 की एक पावरफुल बैटरी होगी, एमोलेड डिस्प्ले होगा। बहुत ही एक अच्छा और यूनिक सी लुक में इस प्राइस टैग में रेडमी की बहुत ही अच्छा हमें फोन देखने को मिलता है। जिस तरह अगर बात की जाए इसकी गेमिंग की तो बहुत ज्यादा मजे होने वाला है। इसमें उन्होंने दो वेरिएंट लॉन्च किया, जिस तरह एक 55,000 का, एक 60,000 का। रेडमी 13 की बात करूं तो उसमें 120 Hz का एक एमोलेटर डिस्प्ले डाल दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इसमें लगा दिया होगा, गेमिंग शेंगिंग बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है भाई, बहुत ही मजे की गेमिंग होने वाली है। 33 वाट के एक फास्ट चार्जर हमें देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जो रेडमी ने चेंजिंग जो अपने फोनों में लेके आया है वो सबसे ज्यादा चेंजिंग ये है कि भाई वो फिंगरप्रिंट्स उन्होंने स्क्रीन में इंस्टॉल कर दिया। जिस तरह का भाई यार आजकल ज्यादा लोग कहते हैं भाई स्क्रीन में फिंगर होना चाहिए, साइड वाला फिंगर हमें नहीं, जिस तरह के आपको पुराने रेडमी फोनों में फिंगर साइड पे देखने को मिलते थे, तो इसकी रेडमी की अगर बात करें तो हमें फिंगर स्क्रीन में देखने को मिलते हैं और बहुत ही एक अच्छी लुक भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कैमरा
कैमरे की। तो भाई कैमरा उन्होंने 108 मेगापिक्सल का बहुत ही एक अच्छा जूमिंग लेंस एआई कैमरा लगा दिया, क्योंकि भाई यार अब छोड़ दो किसी और फोन को, आईफोन को भी छोड़ दो पीछे, तो भाई व्लॉगिंग करो, एडिटिंग करो और जिस तरह मर्जी आप वीडियो शूट वगैरह भी करो, तो भाई 108 मेगापिक्सल का एक पावरफुल कैमरा आपको देखने को मिलता है। अगर कैमरा सेंसर की बात करें, 3 सेंसर कैमरे के देखने को मिलते हैं, जिस तरह एक 8 मेगापिक्सल का, एक 2 मेगापिक्सल का और एक 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है। जिस तरह फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो भी बहुत ही ज्यादा उन्होंने इंटरेस्टिंग बना दिया गया हुआ है और एआई कैमरा बना दिया गया हुआ है। 16 मेगापिक्सल का बहुत ही एक यूनिक सा कैमरा दिया गया हुआ है कि भाई यार जिस तरह मर्जी आप वीडियो शीडियो बनाओ, सेल्फी वगैरह लो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होना है। ये तो भाई हुआ रेडमी का नोट 13 प्रो की बात करें तो नोट 13 प्रो भी बहुत ही एक मजे का और बहुत ही एक अच्छा डिस्प्ले के साथ हमें सेट देखने को मिलता है। प्रो वेरिएंट की बात करें तो प्रो वेरिएंट में हमें 12 GB रैम और 256 GB रैम और मेमोरी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5000 mAh की ही आपको बैटरी देखने को मिलती है। फास्ट चार्जर की बात करें तो 67 W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। 13 और 13 प्रो में यही डिफरेंस है, उसमें फास्ट चार्जर 67 W का उन्होंने इंस्टॉल किया गया हुआ है। अगर इसके अलावा अगर बात करें कैमरे की तो कैमरा भाई 200 मेगापिक्सल का दिया गया हुआ है, जिस तरह मर्जी वीडियो बनाए और बहुत ही एक अच्छा और लुक हमें बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर बात डिस्प्ले की बात करें तो ये भी भाई 6.6 का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई इसका रेफ्रिज, इसमें जो प्रोसेसर लगा दिया है मीडियाटेक हेलोजिस G99 का प्रोसेसर इसमें लगा दिया। गेम खेलो, ब्लॉगिंग करो, जो मर्जी खेलो, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। 90 FPS के साथ आप इसमें गेम भी खेल सकते हो। दोस्तों मैं इसमें 3 कैमरा सेंसर लगा दिए हुए हैं, जिस तरह 200 मेगापिक्सल वाला, एक 2 मेगापिक्सल और एक 8 मेगापिक्सल। सबसे जो हाईलाइट पे जो इन्होंने बात कही वो यही है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा। नो गॉड प्लीज नो नो No! जो आजकल भाई किसी कंपनी ने 200 मेगापिक्सल अभी नहीं दिया, जिस तरह भाई 40 जो अभी A24 Ultra जो लॉन्च किया उसमें 200 मेगापिक्सल है और भाई रेडमी ने बोला कि हम भी लॉन्च करते हैं, हमें क्या रिस्पांस कंपनी देती है। तो इसी तरह भाई एक 200 मेगापिक्सल का इसमें बैक कैमरा आपको देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो भाई 16 मेगापिक्सल ही फ्रंट कैमरा है, जिस तरह 13 में भी 16 मेगापिक्सल ही फ्रंट कैमरा था। भाई 4G सपोर्टेड है, PTA प्रूफ फोन आपको देखने को मिलता है। भाई यार कलर्स की बात करें तो इसमें 2-3 कलर आपको देखने को मिलते हैं, 2-3 कलर के वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चलते हैं आप तीसरे बड़े, इनके बड़े अब्बू की तरफ। तेरा प्रो प्लस बहुत ही ज्यादा जो फेमस फोन है उसकी तरफ चलते हैं और आपको उसकी क्वालिटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू देते हैं, क्योंकि भाई हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे फुल गुड और अच्छी देंगे, क्योंकि भाई हमारी वीडियो देख के कोई भाई परचेज करना चाह रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान ना हो। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो इसमें भी आपको सबसे पहले जो कैमरा हाईलाइट पे जो मेंशन किया गया हो यही है भाई, वाटरप्रूफ है ये फोन और इजीली 200 मेगापिक्सल का एक व्लॉगिंग कैमरा है। पर कैमरा इतना अच्छा नहीं, बस ठीक है, 200 मेगापिक्सल का ही आपको देखने को मिलता है। 12 GB रैम और 512 GB मेमोरी के साथ और बहुत ही एक अच्छी बड़ी मेमोरी दे दी गई है, जिस तरह मर्जी वीडियो बनाओ और शूट करते करते अपनी मेमोरी में लेके जाओ। तो इजीली इसके अलावा अगर बात करें इसकी शेप क्वालिटी को, बहुत ही ज्यादा शेप क्वालिटी अच्छी होने वाली है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh वाली बैटरी ही आपको देखने को मिलती है। इजीली भाई 120 W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, 120 W का टर्बो फास्ट चार्जर देखने को मिलती है। मीडिया टेक का इसमें प्रोसेसर लगा दिया गया, 1.5K 120Hz कर्व डिस्प्ले, जिस तरह भाई हमें प्रो और प्रो 13 और 13 प्रो में कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको एक कर्व डिस्प्ले 1.5K 120Hz का कर्व्ड डिस्प्ले, बहुत ही ज्यादा मजे का डिस्प्ले होने वाला है और बहुत ही ज्यादा कलर अच्छे होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाई इसमें भी आपको 3 सेंसर ही देखने को मिलते हैं, एक 200 मेगापिक्सल वाला, एक 8 मेगापिक्सल वाला और एक 2 मेगापिक्सल वाला का सेंसर देखने को मिलता है। प्रो और प्रो सीरीज में, प्रो और प्रो प्लस में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा भाई बोलते हैं, 200 मेगापिक्सल भाई उसमें लिखा हो।
अगर 200 मेगापिक्सल है, मैं नहीं कह रहा, आप देख भी सकते हो उसमें वाजिया लिखा हुआ है अगर 200 मेगापिक्सल का, आपको एक बहुत ही शानदार कैमरा देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको 4x जूम भी देखने को मिलता है, जिस तरह जूम करके वीडियो बनाए 4x तक आप जूम करके इससे वीडियो भी बना सकते हो। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को। अगर चार्जर की बात की जाए तो भाई आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट चार्जर 120 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है। इसी तरह भाई अगर किसी भाई को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के हमारी इंफॉर्मेटिव अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी अस्सलाम वालेकुम।